सब्सक्राइब करें सिग्मा यूथ इंजीनियर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे कार्बाइड ड्रिल वर्सेज HSS ड्रिल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि कार्बाइड ड्रिल हमें यूज़ करनी चाहिए या फिर हम जो है HSS ड्रिल को यूज़ करें जिससे कि हमको जो है मशीनिंग क्वालिटी बढ़िया मिले। तो देखिए, दो टाइप की ड्रिल्स अवेलेबल हैं। कन्वेंशनल मशीनिंग, जैसे कि आपको जो है MNTR हो गया या फिर आपको जो है जो मैनुअल मिलिंग मशीन्स हैं वहाँ पर जब आप मशीनिंग करते हैं जिनकी HRC रेंज, जो मटेरियल ग्रेड हैं जिनकी HRC रेंज जो है 35 HRC से कम है, जो सॉफ्ट मटेरियल कैटेगरी में आते हैं, उनको जो है हम यूज़ कर सकते हैं HSS की ड्रिल, ठीक है। लेकिन जो 35 HRC से ऊपर की हार्डनेस वाले जो मटेरियल हैं, ठीक है, जैसे कि SS 304 हो गया, 316 हो गया, तो जो हार्ड मटेरियल हैं इनके लिए हम जो है HSS की ड्रिल यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पर जो है आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, HSS की ड्रिल जो है वो टूट जाती है। तो वहाँ पर जो है आपको यूज़ करनी चाहिए कार्बाइड ड्रिल, ठीक है। कार्बाइड ड्रिल और HSS ड्रिल में जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो उसकी हार्डनेस का है, ब्रिटलनेस का है, और उसका जो कटिंग एंगल है इसका डिफरेंस होता है। HSS की ड्रिल के ऊपर जो एक चीजल मार्क होता है उससे जो है कटिंग स्टार्ट होती है, बट HSS की ड्रिल को यूज़ करने से पहले जो है आपको सेंट्रल ड्रिल या पंचिंग आपको जो है करनी पड़ती है जिससे कि वहाँ पर जो है कटिंग स्टार्ट हो सके, ठीक है। पहली स्टार्ट पॉइंट को क्रिएट करने के लिए जो है आपको HSS ड्रिल पे जो है आपको पहले मार्किंग पता होनी चाहिए, तब जो है आप कर सकते हैं। वहीं इस चीज़ की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ती है अगर आप कार्बाइड ड्रिल यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो है हीट रेजिस्टेंस क्वालिटी भी जो है कार्बाइड जो ड्रिल्स होती हैं उनकी ज़्यादा होती है। तो आप अगर कार्बाइड ड्रिल यूज़ कर रहे हैं VMC मशीन के अंदर या CNC मशीन के अंदर, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। HSS की ड्रिल को आपको जो है CNC और VMC मशीन पे यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये टूट जाएंगी। हालांकि जब हम कंपैरिजन करते हैं कार्बाइड ड्रिल और HSS की ड्रिल का, तो जो HSS की ड्रिल है वो काफ़ी सस्ती आती है कार्बाइड की ड्रिल के कंपैरिजन में। तो आप अगर मैनुअल मशीनिंग कर रहे हैं, आपको जो है सॉफ्ट मटेरियल में मशीनिंग करनी है, तो आप जो है वहाँ पर कर सकते हैं। बट फिनिशिंग की अगर बात करें कि भैया किसकी फिनिशिंग बढ़िया आती है, तो कार्बाइड ड्रिल की फिनिशिंग के कंपैरिजन में आप जो है HSS को कंपेयर करेंगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। सबसे बढ़िया फिनिशिंग आपको जो है कार्बाइड ड्रिल में मिलती है। तो आज की डेट में जो है ज़्यादातर जो टूल्स हैं वो सॉलिड कार्बाइड टूल यूज़ होते हैं और इसमें जो है आपकी ड्रिल भी सम्मिलित है। तो जिन लोगों को भी कन्फ्यूज़न है उनके लिए जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है कार्बाइड के टूल्स यूज़ करते हैं CNC और BMC इंडस्ट्री में। आपको जो है बढ़िया क्वालिटी मिलती है, फिनिशिंग मिलती है और कम टाइम मिलता है। साइकिल टाइम जो है आपका मिनिमम रहेगा अगर आप कार्बाइड टूल्स यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।